मोच करेंगे, 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 मोच करेंगे। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियों से क्यों जोरदार का समय बहुत कम मिल पाता है। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे, कई बार जिसेश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस, आप किसी भी ऐसी शक्ति जिसको आप मानते हैं, आपका विश्वास है, उसको प्रणाम करते हुए, प्रकृति को प्रणाम करते हुए, और आप सब लोगों के जोश में हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, न केवल कंपनी में, जबकि एक इंडस्ट्री में एक यूथ आइकन और एक जबरदस्त आइडल बन रहे हैं आप सभी के कुशल कैप्टन मिस्टर देवव्रत मौर्य सर के लिए जोरदार ताली। यहाँ के कमान संभाले आप सभी सेनापतियों, जैसे कि मिस्टर जेपी मौर्य सर, फखरुद्दीन सर एंड टीआर वर्मा सर लखनऊ से, एंड काफी सारे लीडर्स, मैं विनय जी नाम तो बहुत सारा नहीं जानता हूँ, बट चेहरे से काफी लोगों का मैं विदित हूँ। आप सब लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये वो समय होता है जब मेहनत दिखाई जाती है, और आप सब लोगों का मेहनत आज दिख रहा है, आप सब लोगों का जज्बा आज दिख रहा है, आप तमाम लोगों के जोश, जुनून, समर्पण, आप सबके हर वो हुनर को और हौसले को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं जरूर आप सब लोगों की उज्ज्वल भविष्य के लिए कामनाएं करता हूँ। दोस्तों, क्या हम सबसे बेहतर है, क्या हमको सबसे डिफरेंट बनाता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और क्यों ये भीड़, क्यों ये उपस्थिति आज संभव है। मैं जब वहां बैठा था तो मेरे कानों में गूंज आ रही थी, लोग कह रहे थे कि सर हम सोचे नहीं थे इतनी उपस्थिति होगी। और अन्य जगह ऐसा होता है तैयारी पूरी होती है, लेकिन जब प्रोग्राम शुरुआत होता है तो 50% लोग भी नहीं आते। ये यही की गूंज है, ये मेरे शब्द नहीं है, आवाज जरूर मेरे है, लेकिन गूंज यही की है, मेरे कानों तक आई कि सर सोचे नहीं थे इतने लोग आएंगे। और जिस तेजी से YTM बढ़ रहा है, आज मुझे सुनने को मिला कि यहाँ के लोकल लीडर्स 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख महीने के पेयाओं में पहुंच चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर नेशनल ट्रिप में ही मेरी मुलाकात होती है आप लोगों से। माय डियर लीडर्स, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत कम कितने समय आप लोग और सुनना चाहते हैं, क्योंकि लेट तो नहीं हो गया है ना? सब रेडी है? ठीक है, देखो किसी को करवट तो नहीं आ रही है, पलके तो नहीं झपक रहे हैं, सब ठीक ठाक है ना? पक्का बैठे हैं या बिठाए गए हैं? बैठे हैं, बिठाए नहीं गए हैं ना? पक्का? चलिए, तब तो आप लोगों से बात करने में मजा आएगा। सो माय डियर लीडर्स, देखिए क्या अंतर है, क्या अंतर है जिसकी वजह से आज ये कुर्सियां तो पूरी भरी हुई है, उसके बावजूद नहीं लोग खड़े हुए हैं। कुछ तो अंतर होगा ना। आज एक कहानी याद आ रही मुझे, जैसे कि एक बुद्ध भिक्षु थे, बुद्ध के काफी सारे जो रहते हैं वो सब भिक्षु होते हैं, अपना जीवन यापन वैसे ही करते हैं। तो बुद्ध भिक्षु को इतनी शक्ति आ गई थी कि वो अपने तप के माध्यम से कल क्या घटित होने वाला है और कल बीता हुआ कल में क्या घटना हुआ है वो देख सकता था। तो ऐसे ही उसके एक शिष्य थे, और जब वो अपने शिष्य के बारे में भविष्य देख रहे थे तो वो देखे कि एक सप्ताह बाद उसका शिष्य जो है आकस्मिक उसकी मृत्यु होने वाली है। शिष्य बहुत ही उसके प्रति समर्पित था, शिष्य बहुत ही उसकी सेवा करता था, और इस घटना को देखकर अबाक रह गया गुरु। गुरु ने सोचा कि शिष्य को अगर ये चीज बता दूंगा तो आने वाला एक सप्ताह भी जी नहीं पाएगा। तो वो सोचा कि ना बताऊं, और ये सोचा कि क्यों ना अंतिम समय में मैं इनको इसके गांव भेज दूं, अपने माता पिता के दर्शन कर ले और अपने मित्रों से मिल ले, अपने गांव का प्रणाम कर ले। तो ऐसा वो अगर अपने शिष्य को बुलाकर वो क्या करता है, बेटा तू जा एक सप्ताह गांव होकर आ जा, एक सप्ताह गांव होकर आ जा,
और शिष्य भी बोला कि हाँ गुरुजी, मैं भी सोच रहा था, काफी दिन हो गए माता जी पिता जी के दर्शन नहीं किया, और जिस मिट्टी में मैंने पैदा लिया है उसको भी प्रणाम नहीं किया है, तो एक बार जरूर मैं जाना चाहूंगा। आशीर्वाद लेके शिष्य चला जाता है। एक सप्ताह हो जाता है, आठ दिन हो जाता है। आठवें दिन में गुरु के मन में एक विचार चल रहा होता है कि आज आठ दिन हो गया शिष्य नहीं आया है, तो उनको वही बात लगता है कि शायद एक सप्ताह के बाद उसकी मृत्यु थी और राह में ही वो स्वर्गवास हो गए और वो यहां तक नहीं पहुंच पाए। उसी समय देखते हैं कि शिष्य वहां पहुंच जाते हैं, जबकि उसके तप में इतनी शक्ति थी, क्योंकि उसने देखा था भविष्य में कि शिष्य की मृत्यु एक सप्ताह में होनी निश्चित थी, फिर भी वो जीवित कैसे लौटा। जब शिष्य को पूछा, बेटा आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो बोला गुरु जी आते समय तो नहीं हुई, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाया और आपने मुझे एक सप्ताह के लिए बोला था, तो जब मैं जा रहा था तो नदी में पानी चढ़े हुए थे, और जब पानी चढ़े हुए थे तो वहां जब मैं बैठा तो देखा कि हजारों लाखों की तादाद में चींटियां जो है वहां पे मौजूद है और चल रही है, अगर आपस में टकरा रही है तो वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे। चींटियों को देखे होंगे ना, टकराते तो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, तुरंत मुड़कर चले जाते, लड़ाई नहीं करते या जवाब नहीं देते वहां पे कि भैया तूने टक्कर मारी। तो हजारों लाखों की चींटियां में जब मैंने देखी तो मैंने क्या किया, अपने शर्ट उतारे, कपड़े उतारे, कपड़े के ऊपर मिट्टियां रखी ताकि चींटियों को ना लगे कि कोई उसको जबरदस्ती कोई दूसरी जगह ले जा रहा है, और मिट्टियां रखता था, मिट्टियों के ऊपर चींटियां आती थी और मैं उसको सुरक्षित जगह में और ऊपरी सतह में रखकर वापस आ जाता था। ऐसा करते करते मेरा एक सप्ताह बीत गया, तो मैं देखा कि गुरु जी तो मुझे एक सप्ताह के लिए बोले और मैं यहां से वापस आ गया। ये शिक्षा ये मिलती है जो हमने आज किया YTM में, हमने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत करने के पूर्व सोचा था कि देखिए सफलता अचीवमेंट ये सब एक प्रोसेस है, इस पे आपका हाथ कभी नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा को पैदा होने के लिए 9 महीने का प्रोसेस है तो वो प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, वो समय लेगा ही लेगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो है आपकी नेक नियत और ईमानदारी, एक चीज बस आपके हाथ में, आपकी नेक नियत और ईमानदारी। अगर नेक नियत और ईमानदारी है तो सब कुछ, यहां तक कि जब उस व्यक्ति का मृत्यु टल गया तो यार सोच कर देखिए 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए के प्रोडक्ट में आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख रुपए में खर्च होकर भी जो बीमारियां ठीक नहीं होती उसे ठीक कर रहे हो तो कैसे नहीं आएगा महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, कैसे नहीं आएगा आप सोचकर देखिए। क्योंकि सोचकर इस विचार को आज तक बहुत सारी कंपनियां आई है और बहुत सारी कंपनियां और आएगी, लेकिन सच्चा सौदा अगर आप कभी भी महसूस करोगे, देखिए अगर ग्राहक को देने वाला प्रोडक्ट सही कीमत और वाजिब उसकी गुणवत्ता है तो कभी भी ग्राहक आपको ठगा हुआ नहीं महसूस करेगा। और जब आप जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ रहे हो, दो तरीके से हम लोगों को जोड़ते हैं, या तो हम अपने नेटवर्क में जोड़ते हैं, या तो हम अपने उत्पाद को देके उसको संतुष्ट करके हमारे नेटवर्क का टर्नओवर बढ़ाते हैं। ये दोनों तरीके से हम लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन जिसको भी आपने सिस्टम मिलाया अगर उसके साथ सच्चा सौदा हुआ है, उसको आपने ईमानदारी बेची, उसको आपने अमृत बेचा है, तो ये मान के चलिए ऊपर वाला आपको जरूर सफल बनाएगा। आइडियल लीडर्स जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं सबसे पहले सोचते हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है 80% लोगों का देश है और 80% जो है मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय से भी नीचे है, और ये जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, न जाने कितने सारे लोग 20 वर्ष में सर अच्छी अच्छी बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उनके जो सपने थे, उनके जो मेहनत का रंग था, आज 15 साल 20 साल में भी नहीं मिला है। अगर हम उस नेटवर्क मार्केटर्स के बारे में सोचकर प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान और उसके पीछे उनको सफल बनाने वाला सपोर्ट सिस्टम अगर दे दे तो सोच कर देखिए एक दिन पूरा हिंदुस्तान एक छत के नीचे आएगा कि नहीं। आप हमारे उत्पाद की कीमत देखिए साहब, 200 रुपए में हमारे 80% प्रोडक्ट है कि नहीं है? 80% प्रोडक्ट कितने की है सर? 200 रुपए की है कि नहीं है? और आप ईमानदारी से पूछिएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं? सोच कर देखिए, अगर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट है तो मेरे ख्याल से आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि देखिए हवा बेचने वाले लोग आएंगे, पहले भी आते थे, आज भी है और कल भी आएंगे, वो कभी भी
कभी भी आप सोच कर देखिए, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है 100 बिलियनियर लीडर, आज तक इस इंडस्ट्री को 25 साल हो गया, एक आध दो लोगों को 10-20-50 करोड़ कमाए होंगे, हो सकता है पहले कोई 100 करोड़ कमाया होगा, लेकिन मैं खुद इस महान लक्ष्य के लिए वचनबद्ध हूं, रोज काम करता हूं कि मुझे इस इंडस्ट्री को 100 अरबपति लीडर देना है, 100 बिलियनियर लीडर देना है। तो एक साल में भी महीने के 1 लाख रुपए का पेआउट हो जाता था तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, आज हमारे पास 6 महीने में महीने के 5-5 लाख का पेआउट हो रहा है। सच्चा सौदा किसे कहेंगे आप? प्रोडक्ट को सस्ता कर देना क्या सच्चा सौदा होगा? नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। आपके कीमत में अगर आपके लीडरशिप का पेआउट बेस कीमती है तब मान के चलो सच्चा सौदा है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है कि प्रोडक्ट आप सस्ता दे दोगे। आप जिस भी कीमत में प्रोडक्ट दे रहे हो उस प्रोडक्ट को गुणवत्ता डालिए, लेकिन हाँ आप नेटवर्क मार्केटर के साथ समझौता मत कीजिए। और समझौता क्या है? उसके बीवी के साथ, बिजनेस वॉल्यूम उसके बीवी के साथ। और बीवी के साथ कभी भी इंसान समझौता नहीं करता, वो भले काला कलूटा हो लेकिन बीवी उसको परी चाहिए, भाई साहब गोरी चाहिए। क्यों? वो भले कितना ही कम कमा रहा हो लेकिन सुंदर चाहिए कि नहीं? तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान आपका जो है बीवी सुंदर चाहिए कि नहीं? 100% चाहिए। लेकिन हाँ, ज्यादा सुंदरता कहते हैं ना अति का अंत, ज्यादा सुंदर लगने वाले प्लान में हम लोग जाके अपने आपके में पैर में कुल्हाड़ी मारे आज तक, मारे कि नहीं मारे? गलती किसी की नहीं है साहब, गलती अपनी है, इसको आपको समझना है। सुंदरता ठीक है लेकिन ज्यादा सुंदरता जिसमें आपको लगे कि भैया आज 1 का लो कल 10 हो जाएगी इसकी वैल्यू, संभव है क्या आज तक? संभव है आज तक? अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेटेजिकल सर्वे रिपोर्ट, जिस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार YTM का बिजनेस चलता है, हिंदुस्तान में वेलनेस का मार्केट न केवल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी वर्ल्ड ग्लोबल भी आप जाकर देखोगे तो टॉप 10 कंपनी मिलेगी, उसमें मिलेगी कि 10 लोग आपके जो है वो वेलनेस में काम करने वाले हैं या तो ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स में काम करने वाले हैं जो वर्ल्ड में है। सर मैं आपको बता देता हूं, एक यहां का बिजनेसमैन आयुर्वेद को आज से 12 साल पहले अपना के, आप सब लोग सोच कर देखिए, आप लोग कोलगेट कितने लोग करते हैं? कोलगेट टूथपेस्ट सब लोग करते हैं टूथपेस्ट, लेकिन आज भी ग्रामीणों में 50% लोग टूथपेस्ट को कोलगेट के नाम से जानते हैं। यस सर नो? यस सर नो? जानते ना? आज उतनी बड़ी ब्रांड को अगर कोई बीट कर दिया, पिछले साल आयुर्वेद में काम करने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पैसा नहीं दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्यों? देखो भाई हम बिजनेसमैन है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जिसको हजारों लोग सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, हम मुफ्त में किसी का क्यों करें भाई? उसका पिछले महीने पिछले वर्ष का टर्नओवर है 9000 करोड़ केवल टूथपेस्ट का, केवल टूथपेस्ट का। उसके पीछे शक्ति है आयुर्वेद का। हमारी 5000 वर्ष पुरानी धरोहर, जिस धरोहर को आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज हिंदुस्तान में तो ये नाम कमा लिया लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे विश्व में अगर आप नाम कमाना चाहते हो तो इसी आयुर्वेद को लेके हम पूरी दुनिया का अगुवाई करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोडक्ट बेचना, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो प्रोडक्ट में जान डाल दे या तो प्रोडक्ट में प्लान डाल दे। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां केवल प्रोडक्ट में प्लान डालते आई है। सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? प्लान डालते ही आई है, और प्लान जब तक चलेगा तब तक आपको सोच कर देखिए कितनी सारी कंपनियां आप लोग छोड़ दिए होंगे। आज 1 रुपया आ रहा है नहीं आ रहा इसके पीछे ये है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा था वो कचरा बेचा था। अगर प्रोडक्ट बिकते रहता तो पैसा आना चाहिए था कि नहीं? और मैं बता देता हूं कि यहां की भी गोंडा की भी टॉप लीडरशिप को बता देता हूं, अगर वो 1 महीना हनीमून और दोबारा मनाने चले जाए, कितना पैसा कमा रहा हूं करके, फिर भी 10,000 बोतल वातारी वटी बिकेगा, फिर भी 10,000 बोतल वातारी वटी बिकेगा। और मैं एक चीज और बताता हूं, करके देख लेना एक बार, वातारी वटी शॉर्टेज कर देना और कुछ वो बोलेंगे तो उसको बोलना भैया देखो यार अभी तो माल है नहीं, 750 को मिलेगा, वो बोलेगा भैया तू 800 ले लेकिन दे, क्योंकि
दर्द से बड़ा 800 रुपया नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो मार्केट है वो पेन का मार्केट है, दर्द का मार्केट है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम जो खाते हैं उसमें ना कैल्शियम है। आज के डेट में देखो क्या होता है, धूप में निकला ना करो रूप की रानी। तो जब रूप की रानी धूप में नहीं निकलेगी तो कैल्शियम कहां से मिलेगा रूप की रानी को? 30 वर्ष की उम्र में नेचुरली उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से जॉइंट कमजोर हो जाते हैं। 40 वर्ष की उम्र में पुरुषों की नेचुरली कैल्शियम की कमी की वजह से जॉइंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है। यानी कि हर घर में पेन का मार्केट है कि नहीं? चाहिए सो नो है ना। सो माय डियर लीडर्स, आप सोच कर देखिए, इंडिया में स्थायी रूप से 15% लोग ऑर्थराइटिस के पेशेंट है जिनको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता। ऑर्थराइटिस एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है, लाइलाज बीमारी है। 15% का औसत बोले तो 140 करोड़ में 22 करोड़ लोग। अगर ये 22 करोड़ लोग आपके नेटवर्क के नीचे केवल एक बोतल महीने का खरीदे तो 22 करोड़ × 300 करना आपकी गरीब ख्याल हो जाएगी। 22 करोड़ × 300 करना आपकी गरीब ख्याल हो जाएगी। और औसतन आपको 15% मैचिंग रिपर्चेस में भी मिलता है। सोच कर देखिए कितना बड़ा करियर, सोच कर देखिए कितना बड़ा करियर। सो माय डियर लीडर्स, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, आज यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें से 80% लोगों को एसिडिटी है कि नहीं? yes. 80% लोगों को। और ये एसिडिटी की वजह से ही हार्ट अटैक होता है, ये एसिडिटी की वजह से ही ब्रेन हेमरेज होता है, और ये एसिडिटी की वजह से ही आपका सीने में जलन होता है 80%। और मैं आपको बता देता हूं, डायबिटीज जो बचपन से नहीं है, टाइप 2 बीपी जो बचपन से नहीं है, टाइप 2 थायराइड जो बचपन से नहीं है, टाइप 2 एसिडिटी जो बचपन से नहीं है, टाइप 2 ये सब बीमारी जो है मार्केट में इसका कोई इलाज नहीं है, केवल कंट्रोल है कि नहीं? और आयुर्वेद से अगर आप चाहे तो डायबिटिक आप हमारा डैम्ब्रो दे दीजिए, 1 साल तक परहेज करवा दीजिए उसको, शक्कर का परहेज करवा दीजिए, थोड़ा रोटी चावल का, उसको फ्रूट टाइप में ले आइए, उसकी लाइफस्टाइल ठीक कर दीजिए, क्योंकि ये सब बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उसने अपनी जीवन शैली को इतनी बिगाड़ के रख ली है क्योंकि वो जो खा रहा है उससे ही उसको जहर बन जा रहा है। 1 साल तक उसको डैम्ब्रो दे दीजिए साहब, 13वें महीने में देखना 100 में से 75 लोगों के डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएंगे। मैं नॉर्मल एम की बात करूंगा, हमारे अगर बीपी लो हो या बीपी हाई हो, आप अगर उस पेशेंट को मात्र 15 दिन दे दोगे, 2-2 टाइम दिन में 2 बार 16वें दिन देख लेना, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए नाम उसका क्या रखा गया है, नाम क्या रखा गया है, नॉर्मल रखा गया है। आज थायराइड की बात करूं, आज कौन से प्रोडक्ट की बात करूं, केवल एक चीज आपको बता देता हूं मैं, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, जियो ने क्या किया था 7 महीना पहले फ्री में दिया था। मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटर के जैसा बिजनेस मत करो, ये बिजनेस है, इसको बिजनेसमैन के जैसा करो। बिजनेसमैन हमेशा भविष्य को देखता है, फ्यूचर को देखता है, आने वाले समय वेलनेस और ब्यूटी का है। अगर ये आज आपको पता चल गया किसी कंपनी के माध्यम से, किसी सीनियर के माध्यम से, तो सोच के देखिए 2030 में अरबपति आप भी बनने वाले हो। तो जियो ने क्या किया, पहले 7 महीने फ्री दिया कि नहीं दिया? उसके बाद औसतन कीमत लिया, और जब हिंदुस्तान के 75% लोग उसके यूजर हो गए तब जाके वो कीमत बढ़ाया। और जब कीमत बढ़ाया तो आज भी लोगों को नहीं लगता है, क्योंकि जो जरूरत उसकी थी वो जरूरत उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई देने वाला नहीं था, तो कीमत कौन पूछेगा साहब, क्योंकि वही दे सकता है ना। और कोई विकल्प है क्या उतनी स्पीड इंटरनेट का, कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। जब आप मोनोपोली हो जाते हो तब आपकी कीमत नहीं देखी जाती। सो यही सिस्टम आप लोग को भी समझना है। और जिस गति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं माय डियर लीडर्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, वेलनेस एंड ब्यूटी, आज यहां पे बैठे हुए सब लोग को पूछ लीजिए, कितने सारे लोग 40 साल 45 साल 50 साल के दिख रहे हैं, आज बताइए क्या एक इंसान जीवन भर क्या चाहता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य? बुजुर्ग होकर भी वो सुंदर दिखना चाहता है कि नहीं? चाहता है कि नहीं? क्या चाहता है इंसान, आप बताइए? स्वास्थ्य और सौंदर्य चाहता है। और स्वास्थ्य और सौंदर्य पे हम पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक का हर एक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, वो भी नेचुरल आप लोगों के लिए। और इसके आप डिस्ट्रीब्यूटर रहोगे, इसके आप डीलर रहोगे, तो सोच कर देखिए कि आपका बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है। सो मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए
यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों भाई भाई, समझ कर देखिए आप क्या अपने बिजनेस का पोशाक पहनते हैं। पोशाक मतलब होता है वॉकिंग टॉकिंग ड्रेसिंग एंड फेसिंग। आप देखिए हिंदू हिंदू जैसा पहनता है, मुस्लिम मुस्लिम जैसा पहनता है, सिख सिख जैसा पहनता है, और जीसस जीसस के जैसा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के जैसा ड्रेसिंग करता है। और एक डॉक्टर को कैसे जानते हो आप, एक पॉलिटिशियन को कैसे जानते हो आप, एक इंजीनियर को कैसे जानते हो, एडवोकेट को कैसे जानते हो आप, पहली मरतबा हम उसके पोशाक से जानते जानते कि नहीं जानते हैं। सो मैं आप लोग को एक ही चीज बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लगने वाली चीजें है, वॉकिंग आपके चलने का अंदाज, टॉकिंग हर बार केवल ड्रीम के बारे में बात करोगे, हर बार केवल सपने के बारे में बात करोगे, हर बार केवल अपने प्रोडक्ट के विषय में बात करोगे, हर बार केवल अपने प्लान के विषय में बात करोगे, हर बार केवल लक्ष्य के विषय में, उपलब्धि के विषय में, मोटिवेशन के विषय में। टॉकिंग ड्रेसिंग आपके कपड़े से लगना चाहिए कि 100 करोड़ का बात करने वाला व्यक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन दिखने में तो आज ही 100 करोड़ का दिखता है। ड्रेसिंग उसका अंदाज, जिस तरीके से रिफ्रेशमेंट हो उसके अंदर, उसके चलने का अंदाज, उसका बात करने का अंदाज, वॉकिंग टॉकिंग ड्रेसिंग फेसिंग। सबसे पहले इस प्रोफेशन को आपको घोट के पीना पड़ेगा, ये प्रोफेशन और आप एक ही हो जावे, फिर देखते कैसे 100 करोड़ नहीं कमाओगे। तो मैं आप लोगों को जब आया हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, देखिए हमने एक स्लोगन है हमारा, मौज करेंगे मौज। कितने लोग सुने ये स्लोगन? मैं आप लोगों को गहरी साइंस बता के जाता हूं, डीप साइंस बता के जाता हूं। अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो व्यक्ति आप बनना चाहते हो, उसको रोज विजुअलाइज करो। विजुअलाइज मतलब अपनी आंखों से देखो। आप दुनिया की महान ट्रेनर से जब ट्रेनिंग लोगे ना तो यही ट्रेनिंग देगा आपको। कहते हैं कि सर मेरी पत्नी मेरी लड़ाई करती है, कहते हैं सर मेरे पति से मैं दिखूं, कहते हैं सर मेरे बच्चों मेरे नहीं सुनते, कहते हैं सर पैसा तो कमाता हूं लेकिन कहां जाता है नहीं पता चलता। तो उसको एक ही मोटिवेशन, एक ही एजुकेशन दिया जाता है, आप जो बनना चाहते हो वही देखो। आप देखो अगर आप अपनी पत्नी से संतुष्ट हो तो आप देखो कि आपकी पत्नी इस हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पत्नी है, वो आपका बहुत ख्याल करेगी, वो आपको बहुत ख्याल कर रही है, आपको समय से पानी दे रही, समय से भोजन दे रही, आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करेगी। ऐसे ही सारी चीजों को बताया जाता है और उसको विजुअलाइज कराया जाता है, धीरे 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 वो चीजें होने लग जाती, क्योंकि वेयर एवर फोकस फ्लोस, जहां भी आपका फोकस जाएगा एनर्जी फ्लोस, जहां भी आपका फोकस जाएगा। जैसे लेजर बीम होता है ना, हम लोग बच्चे थे तो लेजर बीम को करके कागज को जला दिया करते थे। वेयर फोकस गोस, जहां भी फोकस जाएगा एनर्जी निकलेगी। आप अपनी जीवन गाथा देख लीजिए, जब जब जिस चीज पर आप ज्यादा फोकस किए, समस्या पे किए समस्या बढ़ा, समाधान पे किए समाधान बढ़ा। वेयर योर फोकस गोस, जहां भी आपका फोकस जाएगा एनर्जी वहीं से आएगा। आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? आप अपनी एनर्जी नेटवर्क बिल्ड करने में लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपनी प्लान को प्रमोट करने में लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी अपने आप को सफल बनाने में लगा रहे हैं, कहां लगा रहे हैं? देख लीजिए आप खुद का, खुद को अवलोकन कर लीजिए, आपकी ताकत कहां लग रही है साहब। सो मैं हमेशा कहता हूं मौज करेंगे मौज, हर मीटिंग में हर कोई व्यक्ति से, हर बार स्टेटस में, फेसबुक में, हर कोई, मेरा आपको बता देता हूं जो मेरा दोस्त भी नहीं बना है आज तक ना, वो भी जानता है कि मौज करेंगे मौज। कई सारे लोग मेरे को फेसबुक में, व्हाट्सएप में अचानक कॉल करते हैं तो साहब वो क्या बोलते हैं ना, मौज करेंगे मौज बोलते। क्यों? इसके पीछे साइंस ये है कि जिंदगी में हम दुखी नहीं होंगे, जिंदगी में हम कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा मौज करेंगे। So, यही मैं दूसरी बात बोलता हूं, ज्ञान बराबर पैसा, ताकि हर बार मुझे एहसास रहे, हर बार मुझे याद रहे कि मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाने में काम करना है, मुझे रोज अपने ज्ञान को बढ़ाने में काम करना है, कभी ना भूलूं। इसलिए दो शब्द जो है, हजारों लाखों लोगों को मैंने हिंदुस्तान में बना लिया है, जो मुझसे बात करते हैं तो वो भी कहते हैं मौज करेंगे मौज, ज्ञान बराबर पैसा। ऐसे ही हजारों लाखों लोगों को आप लोगों को बना देना है ज्ञान, इसलिए रोज नया ज्ञान चाहिए। मैं आज आप लोगों को 3 मंत्र देके जा रहा हूं, जिससे अगली बार जब आप लोग मुझे गोंडा में अगर बुलाओगे तो मैं तभी आऊंगा जब यहां पे डायमंड निकलेगा, डायमंड सेलिब्रेशन में आऊंगा। डायमंड होगा ठीक है, और डायमंड से पहले मत बुलाना भैया ठीक है, और डायमंड कैसे होगा उसके मंत्र भी देके जा रहा हूं, तब माहौल कुछ और होगा। देखिए 3 श्रेणी में यह बिजनेस में सफलता होती है, 3 चरण में इस बिजनेस में सफलता को प्राप्त किया जाता है। पहला चरण आपको बता देता हूं, हर बार अपग्रेडेशन होता जाएगा। पहला चरण यह है कि यह बिजनेस लोगों का बिजनेस है। किसका
बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। पहला फोकस आपका होना चाहिए लोगों को लाना, चाहे आपके प्लान में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। आप प्रोडक्ट बेचकर नेटवर्क बनाइए या प्लान दिखाकर नेटवर्क बनाइए, लेकिन पहला फोकस आपका होना चाहिए लोगों को लाना। बिना लोग के यहां कुछ भी नहीं होने वाले साहब। तो आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं हिंदुस्तान में 1000 लोगों को डायबिटिक मुक्त जीवन देना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में 1000 लोगों को एसिडिटी से निजात दिलाना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में 1000 लोगों को बीपी से राहत दिलाना चाहता हूं, जो जिंदगी भर दवा खाएंगे उसको जिंदगी भर दवा खाने से बचाना चाहता हूं। यही मेरे जीवन का लक्ष्य। याद रखना, जब भी आपका लक्ष्य उस ऊपर वाले के बनाए हुए मनुष्य के जीवन से जुड़ जाएगा, उसके भलाई के जीवन से जुड़ जाएगा, तो स्वयं उसकी शक्ति आपके कार्य में प्रवेश कर देगी, स्वयं उसकी शक्ति आपके कार्य में प्रवेश कर देगी। एक शुभ संकल्प, एक शुभ विचार, एक शुभ लक्ष्य आपको तैयार करना पड़ेगा। केवल आपका लक्ष्य आज बहुत लोगों का लक्ष्य जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, मतलब आप स्वार्थी हो गए। और ईश्वर हमको क्या सिखाता है? निस्वार्थ रहिए। अपने लक्ष्य को लोगों के सपनों से, लोगों के जीवन से कनेक्ट कीजिए। तो ऐसे शुभ संकल्प बनाइए। और मैं खुद 1000 लोगों को, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 1000 लोगों को आपको प्लान बताना है, इस पूरी विश्व में जो सबसे सफल व्यक्तित्व है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो कहता है कि मैंने 1000 लोगों को प्लान बताया है। क्या कहता है? 1000 लोगों को प्लान बताया। तो आप सोचिए, जिस राह हमको चलना है उस राह में जिसने मंजिल पाई है उस गुरु को फॉलो करना चाहिए कि नहीं? तो उस राह में, वर्ल्ड में जिसने सबसे बड़ी मंजिल पाई है, दुनिया में जिसने रिकॉर्ड बनाया, वो कहता है कि 1000 लोगों को प्लान बताया था। तो क्या आपको व्यक्तिगत 1000 लोगों को प्लान बताने की योजना बनानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि इसीलिए मैं कहा, ये लोगों का बिजनेस है। और जब ये लोगों का बिजनेस है तो आप भी लक्ष्य बनाइए, मैं अपने जीवन में 1000 लोगों को प्लान बताऊंगा। कॉपी और पेन रखिए, एक एक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, और उसने क्या कहा था, हाँ या ना, यह सोच के बताऊंगा, वो भी लिख के रखिए। तभी तो आप भी बताएंगे कि मैंने 1000 लोगों को प्लान बताया था। पहला चरण में सफलता कब मिलेगा? जब आप लोगों को लाना सीख जाओगे। कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, याद रखना। आपको क्या करना है? लोगों को लाना सीखना है। दूसरे चरण में सफलता इस व्यापार में जब मिलता है, जब आप 1000 लोगों को ला लिए, मतलब अपने नेटवर्क में आपके ही जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना है, यानी कि 1000 लोगों को लाने के लायक उसको भी, उसके लिए आप होम मीटिंग करोगे, उसके लिए आप उसके ब्राउजर, उसको टूल्स अवेलेबल कराओगे, उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की व्यवस्था करोगे, उसके लिए आप उसके मार्केटिंग प्लान को कैसे प्रेजेंटेशन करता है वो डुप्लीकेशन, मंकी सी मंकी डू। बंदर देखता है, बंदर करता है। बंदर को आप दांत दिखाते हो तो बंदर जीभ दिखाता है क्या? जी दांत दिखाता है ना। आप बंदर को ऐसे दौड़ के डराने की कोशिश करते हो तो बंदर क्या करता है? मंकी सी मंकी डू। सिंपल सा बिजनेस है साहब। आपने जो किया, अब वही चीज को आपको डुप्लीकेट करना सिखाना है। डुप्लीकेशन का दूसरे चरण में आपको सफलता तब मिलेगा जब आप अपने जैसे लोगों को, जैसे कि आप देखे ना देवव्रत मौर्य साहब को, मैंने एक कमल नारायण बना दिया तो एक कमल नारायण बनने से हिंदुस्तान के 18 स्टेट में बिजनेस चला गया। अगर मैं 4 कमल नारायण बना दूं तो विश्व के 18 देशों में बिजनेस। सोचिए, अपने को बनाने का कभी मत सोचिए। जिसको आपने देखिए, हर पिताजी अपने बच्चे को ही लायक बनाने का सोचता है। जिस दिन आप पिताजी हो जाते हो, जिस दिन आप माता जी हो जाते हो, उस दिन से आपका विचार परिवर्तन हो जाता है, उस दिन से आपके सपने परिवर्तित हो जाते हैं, उस दिन से आपके लक्ष्य में परिवर्तन आ जाता है, उस दिन से आप केवल और केवल अपने औलाद के बारे में सोचते हैं। जिस दिन से भी आप नेटवर्क बनाओगे, जिस दिन से भी आपकी टीम बनाओगे, उस दिन से केवल और केवल अपनी टीम के बारे में सोचना। हमारा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में 25 साल से महागुरु, एक से बढ़कर एक महागुरु लोग हैं, लेकिन उसके भी रिकॉर्ड को हम 5 साल में लीडरशिप में तोड़ के दिखाएं। वो 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख जो भी कमाते हो, हम 5 साल के अंदर 50 लाख रुपए का चेक बनाने वाले लीडर्स को बना के दिखाएंगे। हमारा पूरा लक्ष्य जीवन में, जब हम पिताजी का पौधा हासिल किए तो हमारा पूरा लक्ष्य अपने लोगों को बनाने में। तो दूसरा है डुप्लीकेशन। जो भी चीज आपने किया, जिससे आपने 1000 लोगों को प्लान दिया, 1000 लोगों का नेटवर्क बनाया, वही डुप्लीकेट करना। तीसरे चरण में आपको सफलता मिलेगी लीडरशिप से। ये बिजनेस पहले लोगों का है, फिर यह बिजनेस बाद में डुप्लीकेशन का है, फिर यह बिजनेस अंत में लीडरशिप का है। और लीडरशिप जीवन भर के लिए नहीं रहने वाला है।
आज अगर आपके साथ सफल लोग हैं, आज अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो आज है, कल आपको एक नए ज्ञानवान व्यक्ति होना पड़ेगा। कल मीटिंग में जाना है तो नया उदाहरण चाहिए। इसलिए कहते हैं लीडर्स लीड्स विद एग्जांपल्स। लीडर जो होता है वो उदाहरणों से आगे बढ़ता है। इसलिए हर दिन हर पल हर क्षण आपको नए नए उदाहरण बनाते चले जाना है। और तीसरी जो सीढ़ी है वो आप लीडरशिप करोगे, यानी कि अपने लोग जो साधारण उपलब्धि हासिल कर चुके हैं उसको असाधारण उपलब्धि दिलाने के लिए, उसको विलक्षण उपलब्धि दिलाने के लिए वही व्यक्ति सफल होगा जो लीडरशिप को ग्रैब करेगा। आप देखे होंगे कई लोग 8 लाख 10 लाख 20 लाख चले जाते हैं लेकिन उसके बाद नीचे आना चालू कर देते। क्यों? क्योंकि वो लीडरशिप में फेल हो गए। तो तीन चरणों में इस बिजनेस में आप चाहोगे तो समुद्र बना सकते हो पैसों का अपने घर में। इतना बेहतरीन, इतना प्रमाणित व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आई होप मेरी बातें आप लोग तक पहुंची भी होगी और आप लोग को समझ भी आई होगी। कितने लोगों को मेरी बातें समझ आई? थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का इतना सम्मान, इतना प्यार, आप सब लोगों का इतना विनम्रता पूर्वक मुझे सुनना। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा कि जो भी 15-20 मिनट में आप लोगों के समक्ष बात रखा हूं, एक एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक व्यक्तित्व, एक एक लीडर को पैदा करेगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो वही पॉजिटिव थॉट, वही पॉजिटिव स्लोगन जिससे हम रोज अपने जीवन में यह तय करते हैं कि जीवन में कभी भी हम दुख का हिस्सा नहीं होंगे। क्या आप लोग मेरे साथ उस आवाज को साथ देना चाहोगे? क्या आप लोग मेरे साथ उस आवाज को अपने अंदाज में इस पूरी महफिल में खुजने में मदद करना चाहोगे? तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जहां भी बैठे वहां खड़े होकर हमारे स्लोगन, जिससे पूरा हिंदुस्तान आज हमारा परिचय देखता है, आज हमारा परिचय ही वही हो गया, उस स्लोगन को गाने में आप लोग मदद कीजिए। और वो स्लोगन मैं आप लोगों को कहूंगा मौज करेंगे, आप लोग क्या कहेंगे? मौज। मैं कहूंगा मौज करेंगे, आप लोग क्या कहोगे? और जितनी भी ऊर्जा आपके अंदर है, जितनी भी शक्ति आपके अंदर है, खुल के आप एकदम खुल के, कोई भी चीज आपको रोक ना रहा हो, ऐसा बात करना है। सो माय डियर लीडर्स बी रेडी, मौज करेंगे, 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 मौज करेंगे। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियों से क्यों जोरदार का समय बहुत कम मिल पाता है। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे, कई बार